दिलीप कुमार सोनखर नाम है मेरा। दिलीप जी, क्या करने हैं आप मार्केट आए हैं, क्या है? हम तो अपना सामान खरीदने के लिए आए हैं। क्या लेंगे? हम सारी सामग्री घर के लिए, सब्जी लेने के लिए आए हैं। होटलों में सब्जी सप्लाई करते हैं। क्या कितनी महंगाई चल रही है सब्जी? क्या सब्जी तो भैया बहुत महंगाई है, समझ लीजिए। प्याज महंगा है, लहसुन महंगा है, धनिया महंगा है, और भी सामग्री जो नेनुआ 60 रुपया पसेरी बिकता था वो 200 रुपया पसेरी हो गया। भिंडी महंगा था वो भी महंगा हो गया। भिंडी क्या वजह है? वजह ये है कि बाढ़ के पानी की वजह से बहुत लोग ग्रसित हो गए। बाढ़ के पानी से लोगों को बहुत तकलीफें हो रही हैं। जो किसान अपना उगे थे वो पानी के बाढ़ से मतलब बहुत आने जाने में नुकसान है, खेती करने में नुकसान है। जो उनको 10 रुपया में कमाई 100 रुपया होता था, 100 रुपये की कमाई 10 रुपया हो रहा है। लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। घरों में सब्जियाँ जो सब्जी लोगों को 100 रुपये में लगता था, 200-250 से 300 में भी कम पड़ जा रहा है। लोगों को बहुत दिक्कतें झेलना पड़ रहा है। जो मिडिल क्लास का परिवार है उसको तो और सब्जी खाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जो 2 किलो 4 किलो प्याज ले जाते थे वो आधा किलो 1 किलो ले जा रहे हैं। वो भी स्थिति जिसकी नहीं भी है स्थिति, वो एकदम नहीं ले जा पा रहा है। अपना परिवार देखे कि सब्जी देखे, घर गृहस्थी देखे, और मिडिल क्लास वालों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वो अपना परिवार देखे कि घर बार देखे कि रिश्तेदारी देखे। जो 5,000 की नौकरी कर रहा है वो कैसे अपना झेलेगा महंगाई की वजह से? बड़ों व्यापारियों के लिए कोई दिक्कत नहीं, उन लोग के पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 10,000 की 5,000 की नौकरी कर रहा है वो कैसे झेलेगा अपने आप को? जी, हमारा नाम छोटेलाल पटेल है। क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। किस तरह की सब्जियां महंगा हो रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं बाढ़ के? बाढ़ की वजह से भैया पूरा पानी डूब गया है, फसल सड़ गई है। जो सब्जी 1 बीघा में 1 क्विंटल निकल रही थी, आज 20 किलो भी निकल रही है। तो आमदनी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि रेट बढ़ जाएगा। हम लोग तो सेम की खेती किए तो पूरा चौपट हो गया, वही बोड़ा नेनुआ है, बस वही बचा है हम लोगों का। पप्पू अग्रहरी, सब्जी के बारे में तो बोलना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि सब्जी का पोजीशन बहुत ख़राब है। जो सब्जी हम लोग 50-60 रुपये लेते थे, आज वो 150-200 रुपये में बिक रहा है। और आलू छोड़ करके सारी सब्जियां बहुत महंगी हैं। प्याज का पोजीशन तो सबसे बुरा है। प्याज इस समय जो है वो पनीर के भाव बिक रहा है। लहसुन वगैरह क्या? लहसुन का भी वही स्थिति है जो पनीर की स्थिति है। और भी सब्जियां क्या चल रहा है? और सब्जियां बाढ़ की वजह से तो भाई देखिए आपदा है ही है, उसकी वजह से जो है स्थिति हरी सब्जियों का भी बहुत ख़राब है। जो आवक निकलता था 10-20 क्विंटल वो निकल रहा है आज के डेट में जो है वो 10-20 किलो क्या तरीके से। रसोइयों में किसे खाना बनता होगा जो 1 किलो जा रहे थे या 1 किलो? अब भाई क्या करें, उसी में जो है पानी डाल करके पतला बना के लोग यूज कर रहे हैं। मेरा नाम मिस्टर राहुल सरोज है। क्या करते हैं आप? मैं आलू प्याज का बिजनेस करता हूँ, दुकान में बेचता हूँ भी। महंगाई आया है, क्या कहना है? महंगाई इस कारण है, हर जगह बाढ़ उड़ आया है। पूना की पूरी प्याज खत्म हो गई, सड़ गई है, इसके कारण महंगा हो गया प्याज। पहले कितना था, अब कितना अंतर हो गया? पहले बहुत आते थे, पहले डाउन थी बाजार, अब मतलब सामान सड़ने की वजह से आज महंगे हो गए। क्या लगता है कि महंगाई, अब कितने लोग आ रहे हैं, अब 1 किलो जो लेते हैं अब कितना ले रहे हैं? पहले लोग जो 10-20 किलो लेने वाले थे आज 5 किलो ले रहे हैं। कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत आ रही है। पहले 10 बोरी बिकती थी, आज 2 बोरी बिक रही है।